और अब बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। दरअसल अंतागण टेपकांड मामले में आरोपी मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट के वकील आज कोर्ट में दलील रखेंगे। हाईकोर्ट के वकील विवेक शर्मा और प्रवीण दास रखेंगे पक्ष। वॉइस सैंपल लेने एसआईटी की ओर से लगाई गई थी अर्जी पर 5 सितंबर को सुनवाई के दौरान एसआईटी के वकील सौरभ गुप्ता ने अपनी बहस कर ली थी पूरी। आरोपी पक्ष ने अपनी ओर से बहस के लिए हाईकोर्ट से वकील आने का हवाला देकर कोर्ट से एक दिन का समय मांगा था। आरोपी पक्ष की दलील सुनने के बाद आज दोपहर बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि आज फिर से सुनवाई होने वाली है अंतागढ़ टेपकांड मामले पर, क्या कुछ अपडेट इस पर और मिल पा रहा है? देखिए बुशरा, अंतागढ़ टेपकांड मामले के जो चार आरोपी हैं, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, अजीत जोगी, अमित जोगी और मंतू राम पवार, इन चारों की वॉइस सैंपल लेने जो एसआईटी है इस पूरे मामले की जांच करे, उसने न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में अर्जी लगाई है कि इन चारों आरोपियों का वॉइस सैंपल लेना है। तो इसी आज पूरी जो मसले पर आज जो हाई कोर्ट के वकील हैं जो आरोपी पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि जो एसआईटी के वकील हैं सौरभ गुप्ता, उन्होंने 5 सितंबर को जब इस पर सुनवाई हुई थी तो अपनी बहस पूरी कर ली थी, लेकिन उसी दौरान जो वहां पर लोकल वकील हैं आरोपी पक्ष के, उन्होंने ये मांग की थी कि उनके तरफ से बहस के लिए हाईकोर्ट के वकील आएंगे और इसलिए उनको एक दिन का समय दिया जाए। इसलिए कोर्ट ने शनिवार तक का समय दिया था, यानी आज जो दो वकील हैं विवेक शर्मा और प्रवीण दास, दोनों वकील लगभग 11 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे और रायपुर पहुंचने के बाद अपनी बहस वो वहां पर शुरू करेंगे। और बहस सुनने के बाद ये संभावना जताई जा रही है था कि देर दोपहर बाद आज इस पूरे मामले में जो फैसला है वो आ जाएगा। आज ये तय हो जाएगा कि जो चारों आरोपी हैं वो आई सैंपल उनको देना है या नहीं। ये पूरा तरीके से जो निर्भर है कोर्ट के ऊपर है, लेकिन जो हमें जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक एसआईटी के पक्ष में फैसला जा सकता है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका यही कहना है कि जो फैसला है वो एसआईटी के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है सौरभ गुप्ता, वो जब अपनी बहस कर रहे थे तो उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि बार बार आरोपियों को नोटिस देने के बावजूद वो वॉइस सैंपल देने नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमित जोगी को वॉइस सैंपल के लिए बुलाया जाता है, वो एसआईटी के दफ्तर भी आते हैं, लेकिन दफ्तर के अंदर ना आकर वो बाहर में हंगामा कर चले जाते हैं। इस बात को प्रमुखता से जो एसआईटी के वकील हैं सौरभ गुप्ता, उन्होंने कोर्ट में बात रखी थी। तो सारी बातों को 5 सितंबर को जो कोर्ट ने उनका सुना था, और आज जो आरोपी पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से आज दलीलें रखी जाएंगी। हालांकि बार बार ये आरोपी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 3 लैब में जो पेन ड्राइव की जांच के लिए भेजा गया था चंडीगढ़, हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। अगली खबर भी हमें बड़े